अस्सलाम वालेकुम। आज अब मैं बनाने जा रही हूँ एक मलाई करी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ बिल्कुल आसान तरीके से आप ये एग मलाई करी कैसे बना सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 बॉयल अंडे लिए हैं। इन अंडों को हम बीच से काट लेंगे। ग्रेवी बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 2 प्याज, मैंने यहाँ पे 2 प्याज को रफली चॉप कर लिया। साथ ही साथ हमें चाहिए होगा 2 हरी मिर्च। प्याज और हरी मिर्च को हमें मिक्सर ग्राइंडर में ब्लेंड करके इसका एक फाइन पेस्ट बना लेना है। आप देख सकते हो हमारा पेस्ट रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पैन में 3 टेबलस्पून ऑयल लिया है। इसमें मैं प्याज और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करूँगी। इसे हम मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। प्याज को हमें तब तक पकाना है जब तक इससे ऑयल सेपरेट ना होने लगे। प्याज हमारा अच्छे से भुन चुका है तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट को हमें तब तक पकाना है जब तक इससे इसकी कच्ची स्मेल ना निकल जाए। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 200 ml मिल्क। हमें पूरे मिल्क को एक बार में ऐड नहीं करना है, मैं यहाँ पे 2 से 3 बार में मिल्क ऐड कर रही हूँ। आप इसमें थोड़ा थोड़ा मिल्क ऐड करते जाएं और इसे अच्छे से चम्मच की मदद से चलाते जाएं। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ऐड कर सकते हैं। अब हम गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसे हम अच्छे से कुक करेंगे। हम इसे 5 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। पाँच मिनट हो चुके हैं तो अब इसमें मैं बॉयल अंडे डालूंगी। तो अंडे का जो जर्दी वाला पोर्शन है वो आप नीचे की साइड करके डालें। एक एक करके सारे अंडे आप ग्रेवी में डाल दें। अब हम इसे 3 मिनट तक पकाएंगे। तीन मिनट हो चुके हैं, अब हम अंडों को पलट लेंगे। आप एक एक करके सारे अंडों को पलट लें। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा हरा धनिया और इसे हम कुक करेंगे 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। 5 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हो हमारा एग मलाई करी रेडी हो चुका है। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।